तो मैंने आप सभी को पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर सारा प्रोसेस बताया था, तो जिसमें आपको यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसमें आप इसमें कोई आपको फ़ोटो रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप केवल एक पीडीएफ बना कर रखेंगे, जैसे आपको पीडीएफ फॉर्म आप अप्लाई करने के लिए पीडीएफ फॉर्म बना कर रखे रहते थे, फॉर्म भर के और उसमें आधार कार्ड लगा के और फ़ोटो सिग्नेचर लगा कर वहाँ पर रखे हुए रहते थे, तो उसी की कॉल रखना है। अब यहाँ पर फ़ोटो वगैरह की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर आप अपलोड करते हैं इसमें, तो यहाँ पर पैन फॉर्म, फ़ोटो यहाँ पर और यहाँ पर सिग्नेचर लगाना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर इस मेथड से करते हैं ये वाला भी अप्लाई हो सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन एक और यहाँ पर न्यू क्रॉप एंड अपलोड का यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर मुझे सबसे बेटर इसमें लगता है इसी वाला, यानी ये वाला जो पहले वाला था अपलोड, इसमें से हमको बहुत अच्छा लगता है ये वाला अब, क्योंकि मैं इसमें बहुत आसान तरीक़े से मैं कर पा ले रहा हूँ। इसमें मुझे एक ही का केवल पीडीएफ इसमें अपलोड करना रहता है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर का रिसर्च करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे इसमें अपलोड करना है, और सबसे पहले आपको फॉर्म कैसे भर कर रखना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपलोड वाला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पेज इस तरह से आपका ओपन होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर ओपन हो पा रहा है। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक आपको पीडीएफ फाइल चूज़ करना है, जैसे यहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल चूज़ कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर पैन फॉर्म बना कर रखा हूँ, पैन फॉर्म बना दिखा दे रहा हूँ कि पैन फॉर्म किस तरह से है। मैं यहाँ पर पैन फॉर्म यहाँ पर रखा हूँ, देखिए मेरा पैन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया हुआ। जैसे कि आप अगर पैन फॉर्म अगर पीडीएफ अगर डाउनलोड करके अगर भरते हैं पेन से, तो आपको भर लेना है पूरी तरह से, और इसी तरह से आप लगाकर फ़ोटो रखते होंगे, फ़ोटो इस तरह से लगा रहे हो, यहाँ पर सिग्नेचर इस तरह से लगा रहे होंगे, और इस तरह से पूरा फॉर्म भरा हुआ रह रहा होगा, यहाँ पर भी नीचे इस तरह से होगा, और यहाँ पर इस तरह से आप लगा कर रखे हो रहे होंगे, ये आधार कार्ड लगा कर इस तरह से रखे हुए होंगे। तो इसको आपको कैसे करना है, इसी वाले फॉर्म को पूरा भर लेना है आपको। अगर पीडीएफ होगा, जैसे आप फॉर्म भरे होंगे, तो फॉर्म जो पेन से अगर टाइप करके भरे होंगे, तो वो वाला भी इसी तरह से आप बनाते होंगे, तो इस तरह से आपको वो पीडीएफ बना लेना है। और पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये वाला, जैसे ये वाला ओपन करेंगे यहाँ से इस वाले पेज पर, तो आपको पेज इस तरह से ओपन होगा, और यहाँ से चूज फाइल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको जो पैन फॉर्म का है पीडीएफ यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इस तरह से चूज करेंगे। यहाँ पर अपलोड पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपका पीडीएफ फाइल जो अपलोड किए होंगे वहाँ पर आपका सारा डिटेल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपने जो जो पीडीएफ फॉर्म में भरे होंगे, जिस तरह से अप्लाई किए होंगे, यानी कि जिस तरह से पीडीएफ फॉर्म आप पेन से भर के या डिजिटली भरा हुआ आप डाउनलोड किए होंगे, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पेज इस तरह से ओपन होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने जो पीडीएफ बनाया था, देखिए दो पेज का, पहला पेज ये वाला पीडीएफ है और दूसरा पेज ये वाला पीडीएफ है। मैं जो पीडीएफ अपलोड किया था, वो दोनों पीडीएफ का यहाँ पर पेज दिखाया जा रहा है, और पेज तो दिखाने के बाद आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का यहाँ पर ऑप्शन है, फोटो यहाँ पर सिग्नेचर डाल लेना है, इसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है। तो अब यहाँ से आपको क्रॉप करना है, तो क्रॉप कैसे करेंगे, क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये वाला जो फोटो है, इस वाले पर पहला वाला पेज जो फोटो, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको क्रॉप करना के यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्रॉप का एक ऑप्शन आ चुका है। और क्रॉप आने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा और नीचे आना है, यहीं से आपको फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो क्रॉप करने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरह से चूज करना है फ़ोटो को, जितना दूर से आपको रखना है उतना दूर से इस तरह से फ़ोटो को आपको बड़ा या छोटा इस तरह से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में क्रॉप इमेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रॉप होने के बाद इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर उसी तरह से इस पर एक बार फिर से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक बार सिग्नेचर को उठा लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिग्नेचर ले लेता हूँ यहाँ से, तो इस तरह से जिस तरह से आपने फ़ोटो क्रॉप किया था, उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर को क्रॉप कर लेंगे, और क्रॉप करने के बाद ऊपर में क्रॉप का ऑप्शन है, उसी तरह से यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, मेरा यहाँ पर एक फ़ोटो है और यहाँ पर एक जो सिग्नेचर है वो, और यहाँ पर आपको अब फोटो लाना है और यहाँ पर सिग्नेचर लाना है। तो फोटो और सिग्नेचर कैसे लाना है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है, यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे कि कैसे लाना है। तो यहाँ से लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ोटो पर यहाँ पर प्रेस करे हुए रहिए, और यहाँ पर उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए इस तरह से, ठीक है। पहला तो ये काम हो चुका है, दूसरा भी उसी तरह से यहाँ पर उठा कर रखिए और यहाँ पर सिग्नेचर वाला पर रख दीजिए। देखिए आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको पीडीएफ अपलोड करना है, यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करेंगे तो यहाँ पर पहला पेज, यहाँ पर दूसरा पेज इस तरह से आएगा, और इस पर वाले पेज पर एक बार क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ पर आपको पीडीएफ आ जाएगा, जो आपको पीडीएफ जो फॉर्म भरे हुए रहेंगे उसमें से आपको फोटो को क्रॉप कर लेना है, जो क्रॉप वाला साइज पर जाना था वहाँ से क्रॉप कर लेना है। और क्रॉप करने के बाद यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर दोनों आ जाएगा, और यहाँ से यानी फोटो सिग्नेचर दोनों क्रॉप कीजिएगा तो दोनों आएगा, और यहाँ से उठा कर डायरेक्ट यहाँ पर रख देना है, और फिर से सिग्नेचर को उसी तरह से उठा कर यहाँ पर रख देना है। इसके बाद अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कोई साइज़ जो DPI बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था उसमें आप सभी को बताया था, यहाँ पर फोटो एंड रिसाइज करने का एक वेबसाइट भी बताया था, उस पर एप्लीकेशन भी बताया था, और आपको DPI साइज़ चेंज करने के लिए भी मैं बताया था कि इसमें आपको उतना साइज़ रहेगा तभी ले पाता था। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरा यहाँ पर एक ही मात्र अपलोड किया हूँ, यहाँ पर जो PDF था वही अपलोड किया हूँ, यहाँ पर कोई फ़ोटो सिग्नेचर का रिसाइज नहीं किया हूँ, और कोई यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अलग से नहीं डाला हूँ, उसी में से केवल PDF को रिसाइज कर लिया हूँ, और मुझे कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दे चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वाला आप कट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर चूज फाइल पर आता हूँ, यहाँ पर अपलोड में जाएंगे, देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है मेरा, यहाँ से समाप्त हो चुका है। यहाँ से अब क्या करना है मुझे कि जेनरेट बैच करना है, तो मैं यहाँ पर जेनरेट बैच में आकर देखूँगा, मेरा यहाँ पर जेनरेट बैच में शो कर दिया है, यहाँ पर टिक लगाऊंगा, यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसा प्रोसेस बताया हूँ कि इसमें कोई आपको फोटो एंड सिग्नेचर का रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको क्रॉप करना है फोटो सिग्नेचर को, ऑटोमेटिक यहाँ से DPI ले लेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर साइज ले लेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर कर दिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा केवल आपको रिसाइज करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।